बिल्कुल यही है, यही रोमाना मैं बता रहा हूँ कि एबीपी न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर यही है कि कुछ ही देर बाद इस्तीफा देने के जस्ट चंद मिनट बाद ही बीजेपी के भी सारे विधायक और हम पार्टी के विधायक वो भी पहुंच जाएंगे। देखिए बैरिकेडिंग फिर से कर दी गई, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात नहीं करेंगे। अगर बैरिकेडिंग न की गई होती तो शायद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि नीतीश कुमार रुक कर बात कर लें, लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग के इस पार रखा गया, अगर नीतीश कुमार चाहे तो खुद रुक करके मीडिया से बात कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश यही है कि कोई भी अंदर आने ना पाए। पूरी तरह से पुलिसकर्मी जो है दोनों तरफ से खाली करा रखा है, बीच में कोई आम या जितने भी मीडिया के लोग हैं वो नहीं रहेंगे। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस्तीफा सौंपने के बाद विधायकों का, बीजेपी के और हम पार्टी के विधायकों का आने का सिलसिला सीएम आवास पे शुरू हो जाएगा और फिर नए सिरे से नए गठबंधन के साथ नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। पहले बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार, पहले इस्तीफा जो नीतीश कुमार ने सौंप दिया है राज्यपाल के हाथ में देकर अब वापस नीतीश कुमार लौटेंगे अपने आवास और यहां पर एनडीए के विधायक पहुंचेंगे जिसमें बीजेपी के विधायक हम पार्टी के विधायक होंगे, जीतनराम मांझी की जो पार्टी है, और वो नीतीश को समर्थन वाली चिट्ठी सौंपेंगे और फिर एनडीए के समर्थन से एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनने का दावा राजभवन पहुंचकर पेश करेंगे। और अब जब अगली बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार तो फिर ये मौका नौवीं बार का होगा जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे नीतीश कुमार। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं राजभवन, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, जिस बात का जिक्र अभी प्रकाश कुमार की तरफ से किया जा रहा था कि लग नहीं रहा है नीतीश कुमार मीडिया से बात करेंगे, जिस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिस रूप में अपने आवास से निकले, मतलब गाड़ी में बैठकर सुरक्षा घेरे में बिल्कुल उसी अंदाज में राजभवन से वापस अपने आवास की ओर बढ़ते चले जाएंगे नीतीश, अभिषेक? बिल्कुल रोमाना, देखिए अभी बात करने का कोई लॉजिक भी नहीं है क्योंकि बात समझनी होगी। अभी वो आए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, अभी बहुत सारे सवाल हैं। अभी सवाल ये है कि बीजेपी ने क्या समर्थन की चिट्ठी उनको सौंप दी है? अगर सौंप दी है तो बीजेपी हम सब एक पेज पे हैं क्या? क्या शर्तें हैं? दुनिया भर के सवाल मीडिया के हैं जिनका अभी आज की तारीख में तो अभी चीजें चूंकि डेवलपिंग है, अभी उनके पास कोई जवाब देने की सूरत में नहीं होंगे। तो अभी वो तब तक, जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाएंगी चीजें, तब तक वो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा अनुभव से हम कह सकते हैं, तब तक वो बात नहीं करेंगे जब तक कि पॉलिटिकल ये सारी वहापोह सेटल डाउन नहीं हो जाएगी। उसका एक बड़ा चरण यहां पूरा हो गया है, आकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दूसरा बड़ा चरण अभी बाकी है। अभी बीजेपी के जो एनडीए के जो अब विधायक हैं, बीजेपी को एनडीए कहें, उनका आना, उनकी चिट्ठी देना, सौंपना और सबको एक पेज पर दिखना, सब एक पेज पर हैं ये तो पता है, लेकिन एक पेज पर उनका दिखना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही नीतीश कुमार मीडिया को एड्रेस करेंगे ऐसा लगता है और तभी वो अपनी बातें कहेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है एक बार फिर से प्रकाश कुमार का रुख करना चाहिए। तो प्रकाश, फिर दोबारा राजभवन जाना होगा नीतीश कुमार को वो समर्थन वाली चिट्ठी के साथ और फिर उसके बाद शपथ ग्रहण के लिए एक बार फिर से दोबारा फिर राजभवन जाएंगे, आज ही शपथ ग्रहण भी होगी प्रकाश कुमार? रोमाना, जब आप बोल रही थी मैं कोशिश कर रहा था आपसे संवाद करने की और उस वक्त की दिलचस्प तस्वीर थी और वो तस्वीर थी शपथ ग्रहण समारोह की, जिसकी तैयारी के सिलसिले में जो टेबल है वो ले जाया जा रहा था और उस समय में ये टेबल बताता है कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।